मैं यही विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। और गीता में प्रभु बताएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाती है तो बहुत ही अच्छे से कवरअप हो जाता है। थोड़ा सुनते हैं प्रभु जी से। तो विष्णुदूत उसको देख रहे हैं, अजामिल को, और अजामिल उनको देख रहा है। तो विष्णुदूत अपने पीठ नहीं दिखा रहे हैं कि पीठ दिखा करके जाएं, नहीं, अजामिल को पीठ नहीं दिखा रहे हैं। अक्सर वही होता है कि पीठ दिखा के जाते हैं ना, नहीं पीठ नहीं दिखा रहे हैं अजामिल को। अजामिल उनको देख रहा है और वो उसको देख रहे हैं, और देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। और उनकी जो दृष्टि है वो बड़ी स्नेहिल दृष्टि अजामिल के प्रति। यमदूतों की दृष्टि बड़ी कठोर, कैसे देखते हैं वो, है ना, उनकी देखने से ही मतलब प्राण निकल जाए ऐसे देख रहे। विष्णुदूत देख रहे हैं बड़ी सौम्य दृष्टि से, बड़ी स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन बात करने का अवसर नहीं दिया, बात करने का अवसर नहीं दिया। लेकिन स्नेह दिखा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बात करने लायक नहीं है अजामिल, है ना। तो उसकी रक्षा तो कर दी, लेकिन अभी वो जो है बात करने लायक नहीं है अजामिल, तो इतना शुद्ध नहीं हुआ। नाम आभास, जब नाम का आभास होता है तो उससे साधु संग मिलता है, और साधु संग से फिर भजन क्रिया। अभी तो उसको भजन क्रिया करना है, भजन क्रिया से नर्थ में वृद्धि निष्ठा, तब कहीं प्रेम में पहुंचेगा। तो अभी नाम आभास से प्रेम थोड़ी मिलता है। वो नाम आभास उसने बोला था, अपने पुत्र के लिए उच्चारण किया था, तो कृष्ण प्रेम अभी वो इतना पवित्र नहीं हुआ, उसके अनर्थ अभी इतना दूर नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, समाप्त नहीं हुए पूरी तरह से, कि वो जो है उसको प्रेम प्राप्त हो जाए और भगवान के धाम में जाने योग्य हो जाए। तो अभी क्या है कि नाम आभास से लेकिन शुद्धि इतनी ज्यादा होती है कि प्रायश्चित तो हो गया। उन्होंने कहा कि करोड़ों जन्मों के पापों का इसका प्रायश्चित हो गया, विष्णुदूतों ने कहा। लेकिन पश्चाताप, पश्चाताप नाम की शक्ति से क्या है, प्रायश्चित तो हो ही जाता है, कि पश्चाताप होता है कि व्यक्ति की पाप करने की इच्छा खत्म हो गई, उसकी जड़ खत्म हो गई। पाप करने की जो इच्छा होती है ना, जो भोगने की जो इच्छा होती है ना, वासना, भोगों की वासना होती है, तो वो खत्म हो गई उसकी, उसको पश्चाताप हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि वो इतना उसके प्रायश्चित से आगे, प्रायश्चित में क्या है, पश्चाताप नहीं होता, प्रायश्चित हो गया पश्चाताप नहीं होता, और फिर से व्यक्ति पाप करता है। लेकिन वो जो है इतना शुद्ध हो गया है कि पाप का प्रायश्चित होने के बाद ही पश्चाताप कर रहा है ना। अब आगे से उसको इतनी नफरत हो गई है कि मैं मतलब बिल्कुल जैसे कि थू थू करे व्यक्ति, मतलब क्या मल है उसको देख करके थू थू करता है व्यक्ति, देखना नहीं चाहता, तो अपने अंदर में उसको बड़ी आत्मग्लानि हो रही है। तो जो महापुरुष किंकर हैं, जो भगवान विष्णु के दूत हैं, उसको देखते हुए उसको इशारा यही कर रहे हैं, संकेत यही कर रहे हैं कि अभी तुम अपने ही से बात करो, अभी हमसे बात ना करो, अपने आप बात करो, तुम अपने आप बात करो, अपनी निंदा करो। तो प्रायश्चित होता है, तो अजामिल को अवसर दे रहे हैं कि तुम प्रायश्चित, सॉरी पश्चाताप, पश्चाताप, अपनी निंदा करो, तुम अभी मुझसे बात, हमसे बात ना करो, अगला जो कदम है तुम्हारा, अगला जो कार्यक्रम है वो ये है कि तुम पश्चाताप करो, और पश्चाताप करो। तो फिर उसने पश्चाताप किया, और फिर जैसे प्रभु जी बता रहे हैं हरिद्वार में जाकर के उसने जो है मतलब मंदिर में भजन क्रिया है, तो भजन क्रिया है ना। तो जो से यहाँ प्रभुपाद उद्धित कर रहे हैं, ये शाम तुंद गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ये द्वंद मोहिनी भजन ते माम दृढ़ करता है। तो दृढ़ निशिक्षण भजन करना भजन क्रिया है, साधु संघ से क्या होता है भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। अभी अनर्थ है दूर नहीं हुए उसके, है उसका जो है प्रायश्चित हो गया सब पापों का, है और अभी उसको पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, अब वो भजन क्रिया करेगा, फिर उसके अनर्थ दूर होंगे, अनर्थ दूर होंगे, फिर निष्ठा में आएगा, फिर रुचि में आएगा, फिर आसक्ति में आएगा, फिर भाव में आएगा, तब कहीं प्रेम में आएगा। तभी तो प्रेम का रास्ता है वो काफी लंबा है ना। तो शुद्ध नाम और नाम आभास में ये अंतर है। शुद्ध नाम में भगवान स्वयं दर्शन देते हैं और संकट से रक्षा करते हैं। द्रौपदी ने शुद्ध नाम लिया था कृष्ण का,
तो उसको कृष्ण का दर्शन, कृष्ण स्वयं रक्षा करने के लिए और द्रौपदी ने दर्शन किया कृष्ण का, किस रूप में, वस्त्र अवतार, भगवान ने वस्त्र अवतार धारण किया, वस्त्र के रूप में अवतार धारण किया, द्रौपदी के वस्त्र बन गए, द्रौपदी ने दर्शन किया। चाहे हर कोई ना समझ पाए कि वस्त्र के रूप में भगवान अवतरित हो गए और द्रौपदी ने दर्शन किया, तो शुद्ध नाम में भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए, है ना, योग सेवन वाहन क्षेत्र रक्षा करने के लिए, वाहन मतलब स्वयं रक्षा करता हूँ। लेकिन नाम आभास में भगवान स्वयं नहीं आए, लेकिन भगवान के भक्तों का जो है संग मिल गया, और संग से जो है उसकी इतनी शुद्धि हुई कि जो है अब प्रायश्चित होने के बाद उसको पश्चाताप होने लगा, है ना। तो यही अंतर है कि द्रौपदी को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी अनग यहाँ शब्द से प्रयोग कर रहे हैं, अनग तो परीक्षित महाराज अनग है, तो अजामिल भी अनग हो गया, निष्पाप हो गया, परीक्षित महाराज भी निष्पाप है। परीक्षित महाराज की जो निष्पापता है वो बहुत आगे है, वो बहुत ज्यादा शुद्ध है, मतलब कितने निष्पाप है कि वो उनकी अनर्थ निवृत्ति हो गई और जो है निष्ठा और रुचि और आसक्ति भाव प्रेम के धरातल में है, इसलिए गर्भ के अंदर ही भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं। अजामिल को तो जो है विष्णु दूत ने रक्षा कर दी, लेकिन फिर बात भी नहीं कर रहे हैं, वो चले गए। लेकिन यहाँ भगवान जो है साक्षात परीक्षित की रक्षा करने के लिए दर्शन दे रहे हैं, तो रक्षा भगवान कर सकते थे, दर्शन देने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन परीक्षित को दर्शन दे रहे हैं, और परीक्षित को कैसे दर्शन दे रहे हैं कि भगवान उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो जो बच्चा है वो गर्भ के अंदर बैठा हुआ है तो देख रहा है ये कौन है, ये पुरुष कौन है, है ना, और भगवान रक्षा कर रहे हैं और दर्शन दे रहे हैं, परीक्षित की परिक्रमा कर रहे हैं, पूरी दुनिया भगवान की परिक्रमा करती है और भगवान परीक्षित की परिक्रमा कर रहे हैं, तो इतना जरूर क्या थी भगवान को करने की, रक्षा तो वैसे ही ब्रह्मास्त्र से रक्षा वैसे भी कर रहे थे, उनकी इच्छा से ही रक्षा हो जाती, लेकिन दर्शन दे रहे हैं भगवान, तो परीक्षित की स्थिति बहुत बहुत दिव्य है, बहुत शुद्ध है, तो वो नहीं जानते कि ये कौन है, लेकिन उनको भगवान का दर्शन हुआ, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, और जैसे उनका जन्म हुआ तो रोए नहीं, ये बालक रोया नहीं, और सबके मुंह को देख रहा है और परीक्षा कर रहा है कि मैंने जिस पुरुष को देखा था वो कहाँ है, वो तो ये नहीं है, वो तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है, परीक्षा कैसे परीक्षा तो परीक्षा कर रहा है ना। तो यहाँ पर यही अंतर है कि शुद्ध नाम से प्रत्यक्ष दर्शन द्रौपदी को जो है भगवान स्वयं संघर्ष से रक्षा करने के लिए और दौड़ करके आए, द्वारका से दौड़ करके आए, है ना, ये मतलब विशेष बात है। और नामाभास, नामाभास से जो है व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, उसको प्रेम नहीं प्राप्त होता है ना, नामाभास से पाप दूर हो जाते हैं, संघर्ष से रक्षा हो जाती है, है? तो नामाभास का मतलब ये है कि जो सूर्योदय से पहले सूर्य का आभास होता है तो प्रकाश इतना हो जाता है कि अंधकार दूर हो जाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं अभी आया, सूर्योदय में सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्योदय से पहले सूर्य का आभास होता है, तो सूर्य का प्रकाश तो नहीं होता, ये तो भी प्रकाश होता है जो अंधकार को दूर कर देता है, तो पापों से तो मुक्ति हो जाती है नामाभास से, लेकिन प्रेम नहीं प्राप्त होता है जो कि शुद्ध नाम से, शुद्ध नाम सूर्योदय के समान है, सूर्योदय का कैसा प्रकाश होता है और सूर्याभास का कितना प्रकाश होता है, अंतर इस प्रकार से ये अंतर है। और लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम नामाभास के धरातल पर आ जाएं, इसी प्रकार नामाभास के धरातल पर आ जाएं तो इससे मतलब बहुत बड़ी रक्षा है, बहुत बड़ी रक्षा है, नामाभास से जो है अजामिल में क्या हुआ, अपराध अपराध रहित नाम अगर हो जाए तो हम इतने शुद्ध हो जाएंगे, पाप तो हमारे बंद हो जाएंगे, बल्कि पश्चाताप होने लगे, अजामिल को जो पश्चाताप हुआ तो उसकी शुद्धिकरण, उसका इतना शुद्धिकरण हुआ कि उसको पश्चाताप होने लगा, ये प्रायश्चित की विधियों से उतना शुद्धिकरण नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, पाप से वो जो है छूट जाता है, प्रायश्चित के द्वारा पापों से छूट जाता है, और प्रायश्चित की विधि भी बड़ी कठिन होती है और बहुत लंबी होती है, एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित, फिर यहाँ तो एक नामाभास से करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया, लेकिन केवल इतनी नहीं कि प्रायश्चित केवल हुआ बल्कि उसका
पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, उसका इतना हृदय शुद्ध हो गया है कि उसको जो है बड़ी गिलानी हो रही है, बड़ी नफरत हो रही है। तो ये चीज है कि मतलब इस कथा से जो है हमें कि शिक्षा प्राप्त होती है, नाम की कितनी शक्ति है अगर अपराध ना किया जाए। तो अपराध है तो ये जो है नाम की शक्ति को खत्म करते हैं। ये पानी की तरह, अपराध पानी की तरह, आप अपराध करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने उसमें पानी डाल दिया, जिसमें नाम की अग्नि में, नाम की अग्नि पापों को जलाती है, है? और सूखे ईंधन को तो जला डालेगी अग्नि, लेकिन आप पानी उसमें डाल रहे हैं उसमें, तो वो जो है फिर धुआं ही धुआं होगा, आंखें खराब होगी और ईंधन जलेगा नहीं, तो पाप नहीं नष्ट होते। अपराध जो है पानी की तरह है और पाप आपके सूखे ईंधन की तरह है और नाम जो है अग्नि की तरह। तो आप अपराध अगर करते हैं तो वो जो है नाम की शक्ति को नष्ट करता है। तो अगर अपराध किसी प्रकार से ना हो, अपराधों से हम छूट रहे हैं, हम 10 अपराध रोज बोलते हैं नाम के, और नाम प्रभु से प्रार्थना करें कि आपने जो है अपराध से हमारी रक्षा करो, तो हम जो है फिर ये है कि पानी ना डालें तो नाम की अग्नि जो है करोड़ों जन्मों के पापों को भी भस्म कर देगी, तुरंत भस्म कर देगी। तो ये जो है मतलब विचार है कि हमें विचार करना है और नाम की शक्ति कितनी है इस पर विचार करना है। हरे कृष्ण। थैंक यू।